चलिए आवाज़ मेरी आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है सभी लोग बताएंगे हाँ माइक बेटा ऑफ था थोड़ा सा ठीक है तो गुड इवनिंग बेटा सभी को आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं आप तक हमारी जल्दी से बताएंगे आवाज़ पहुंच रही हो तो फिर हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है हाँ तो चलिए सभी का स्वागत है तो एक बार सभी लोग शीशन को शेयर वेयर करके जुड़ते जाएंगे ठीक है और नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा सर आज की क्लास में क्या होने वाला है ठीक है पिछले लेक्चर्स में हम लोग जो बातें किए थे थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और आज का लेक्चर भी कुछ पुराने लेक्चरों से ही कनेक्शन करेगा ठीक है हाँ बेटा गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार जोरदार तरीके से थम्सअप करेंगे क्लास को फिर हम स्टार्ट करते हैं ठीक है अगर हम सर बात करते हैं हम ठीक है अगर हम बात करें तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सर वैद्युत स्थिति ऊर्जा को पढ़ लिया था है ना वैद्युत स्थिति ऊर्जा को हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया था और वैद्युत स्थिति ऊर्जा थोड़ा सा रिकॉल करेंगे सर जिससे आज का का टॉपिक कनेक्ट हो जाए है ना वैद्युत ऊर्जा ऊर्जा क्योंकि कुछ आएंगे जिनमें हम का जिक्र करेंगे जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में मिल चुका होगा कि आज की क्लास में क्या होने वाला है ठीक है तो अगर हम सर यहाँ पे बात करें तो हमने मान लिया था कि जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा है सर वो निकाय की रचना करने में किया गया कार्य सिंपल सी भाषा में सरल शब्दों में हमने इतना ही बोला था सर दो बिंदु ले लिया था ए और बी मान लिया था है ना और हमने क्या मान लिया था क्यू वन क्यू टू हमारे अनंत पे थे पहले हमने क्यू वन को ए पर लाया कहां पे लाया क्यू वन पर ए है ना क्यू वन को है ना Q1 को सबसे पहले हमने बेटा A पे लाया तो वहां पे आपने देखा कि यहाँ पे किया गया कार्य शून्य था क्यों क्योंकि A पर पहले से कोई आवेश नहीं था इतनी बातें पिछले क्लास में हुई थी कि नहीं हुई थी फटाफट बताएंगे सभी बच्चे क्या इतनी सी बातें पिछले क्लास में हम कर चुके थे फिर उसके बाद हमने आपको क्या सिखाया था उसके बाद हमने सिखाया कि फिर जब हम क्यू को लाए थे सर बिंदु बी पर कहा पे लाए थे क्यू को सरकार लाए थे कहा पर तो जैसे ही क्यू को हमने बिंदु बी पर लाया तो Q1 के कारण विभव आ गया था बोलो या ना Q1 के कारण विभव आ आ गया गया था था कि नहीं Q1 Q2। और यही किया गया कार सरकार किसमें बदल गया था स्थिति ऊर्जा में बोलो पिछली क्लास में क्या इतनी बातें हुई थी कि नहीं हुई थी सभी बच्चों को क्लियर है नहीं। थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि भाई आज हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार और स्थिति ऊर्जा क्या होती है तो सर स्थिति ऊर्जा की बात जब आएगी तो हम लोग फिर से यही का यही दो स्थितियां मान लेंगे उनको स्थिति में लाने में जो कार्य होगा उसी को क्या मान लेंगे भाई स्थिति इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया डिफिनेशन को कि सर यहाँ पे यूज करेंगे अभी ठीक है चलिए अब बात करते हैं सर थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें भाई सिंपल सी बात है एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में हेडिंग बनाएंगे मेरे साथ सभी बच्चे एक समान वैद्युत क्षेत्र में दिवधरु को घुमाने में दिवधरू को घुमाने में किया गया कार दिवधरू को घुमाने में किया गया कार एक समान क्षेत्र में दिवद्रु को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है किस प्रकार से काम यहाँ पे करते हैं और स्थिति ऊर्जा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के ये ठीक है हाँ लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के ठीक है चैप्टर नंबर टू के ठीक है फिर ए नहीं अभी अभी बेटा फिर पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक है ठीक है सॉरी अभी आपका कैपेसिटेंस तो बचा ही हुआ है ठीक है रेफरेंस बुक के हिसाब से ये यह यहीं पे खत्म होगा एनसीईआरटी के हिसाब से सर कैपेसिटेंस की कहानी अभी बची होगी ठीक है चलिए अगर हम बात करें सर एक समान वैद्युत क्षेत्र की तो सबसे पहले हमने आपको सिखाया कि सर एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं बोलो हाँ या ना एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती थी आपने बोला सर हाँ यही होती है आपने तो बताया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखा इसी प्रकार बनाई जाती हैं समान दूरस्थ होती हैं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं बोलो हाँ ना तो मतलब जो एक समान वैद्युत रेखाएं जो है वो एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं है ना यहाँ पे ये जो लाइने हैं आपने पहले चैप्टर्स में डिस्कस किया होगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार खींची जाएगी अब बात आती सर यहां पे हम एक डाइपोल को रखते हैं ध्यान से सुनना आपको पढ़ाया जा चुका है कि भाई जब हम डाइपोल को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे थे अगर आपको याद हो पिछले में चैप्टर वन में तो उसपे एक बलयुग्म का आगुण काम करता था क्या काम करता था बलयुग्म काम करता था जो उसको क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देता था ध्यान से सुनना मतलब जैसे ये डाइपोल यहां पर रखा माइनस क्यू और प्लस क्यू यहां पर दूरी कितनी है सर टूएलव है बोलो जल्दी से है ना यहाँ पे दूरी कितनी थी टूवेल्व थी तो आपने वहां पे देखा था सर यहाँ पे परिणामी बल शून्य था था बोलो हाँ या ना पहले चैप्टर में ये बल ये बात पढ़ा था परिणामी बल शून्य था लेकिन दो ऐसे बल आ गए थे जो बल युग्म का आघूड़ उत्पन्न कर रहे थे तो जैसे ही इस डाइपोल को सपोज मान लो यहाँ पे यहाँ पे मान लो बेटा कि हमने यहाँ पे एक डाइपोल रखा है ना यहाँ पे हमने एक डाइपोल रख दिया ये क्षेत्र की क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हो मान लेते हैं यहाँ पे अभी हमने रखा क्षेत्र से ये थीटा कोण बना रहे हैं क्षेत्र से थीटा बना रहा है ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है और जैसे ही हमने इसको रखा ध्यान से समझना तो जो बलयुग का आघूर्ण उत्पन्न हुआ था बलयुग टॉर्क और टॉर्क कितना आया था बोलो पिछले लेक्चर्स में टाउ बराबर पी साइन थीटा चैप्टर वन की बात है सर है ना चैप्टर की बात है कि टाउ कितना कैलकुलेट किया था पी साइन, थीटा कैलकुलेट किया था तो आपने देखा सर जैसे ही डायपोल आया है ना जैसे डाइपोल रखा तो ये क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना चाह रहा था मतलब अगर हम ये बताएं ये दुद्रु है और ये फील्ड है ये लाइन ये पेन देखना फील्ड है तो ये डाइपोल बल युग्म आघूर्ण के कारण इधर आना चाह रहा था और वो क्षेत्र है ना क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना चाह रहा था क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता था किसके कारण बल युग्म के आघूर्ण के कारण पहली बात तो ये समझ में आई जो वहां पे पड़ा था अब लेकिन अपने को निकालना क्या है ध्यान से देखो अपने को निकालना है दिवद्रू को घुमाने में किया गया कार्य क्या निकालना है दिवद्रू को घुमाने में किया गया कार्य अब भाई जब ये क्षेत्र की दिशा में आ रहा था आ रहा था तो आप यहाँ पे देखो एक बात मैं बताऊं है ना यहाँ पे आप देखो एक बात मैं आपको बताने चल रहा हूं ठीक है हम मान लेते हैं कि इसकी जो प्रारंभिक स्थिति रही होगी है ना जब वो क्षेत्र की दिशा में आ गया तो मैं ये बना रहा हूं देखो यहाँ पे ध्यान से है ना मान लेते हैं इसकी जो क्षेत्र की दिशा में आया तो वो स्थिति इसकी क्या रही होगी ए बी रही होगी माइनस की ओर क्या रही होगी प्लस क्यू रही होगी बोलो हाँ या ना? बोलो जल्दी से पहले हमने इसको थीटा कोण पे रखा था पहले हमने इसको किस कोण पे रखा था क्षेत्र से थीटा कोण पर ध्यान से सुनना ये पहली स्थिति है पहले को हमने क्षेत्र से बेटा किस कोण पर रख दिया था थीटा कोण पे रखा था लेकिन बल युग्म आगुण के कारण किसके कारण बच्चा बल युग्म आघूर्ण के कारण ये क्षेत्र की स्थिति में आ गया इसको बोलते हैं साम्यावस्था में किसमें बोलते हैं साम्यावस्था में ठीक है क्षेत्र की स्थिति में आ गया अब लेकिन अब हमको इसको क्या करना है घुमाना है बताओ जल्दी से तो हम मान लेते हैं इसको हमने d थीटा कोण घुमाया कितना घुमाया d घुमाया भाई साहब कितना कोड घुमाया d कोड घुमाया और नई स्थिति बेटा आ गई थीटा नॉट कितनी आ गई नई स्थिति कितनी आ गई थीटा नॉट आ गई तो भाई दूधरू को डी थीटा कोड घुमाने में किया गया कार, जल्दी से बताना यहाँ पे हम लिखेंगे दिवधरु को दिवधरु को है ना क्षेत्र की स्थिति से क्षेत्र की स्थिति से है ना क्षेत्र की स्थिति से डी थीटा कोण घुमाने में कितना डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार क्या बेटा डी थीटा कोड घुमाने में किया गया कार है ना और जैसे डी थीटा कोड घुमाने में बेटा हमने किया गया कार निकाला और किया गया कार कितना मान लेंगे डी डब्ल्यू मान लेंगे फिर लिमिट लगाएंगे थीटा से कहां तक थीटा नॉर्थ तक है ना तो बताओ यहाँ पे कार बराबर होता है बल गुड़े विस्थापन पड़ा है कि नहीं पड़ा कार बराबर होता है बल गुड़े विस्थापन अच्छा एक बात बताओ इसको घुमाएगा कौन कौन घुमा रहा था टॉर्क घुमा रहा था तो भाई डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा और आप यहां पे देखो भाई डी डब्ल्यू बराबर टाउ की वैल्यू कितनी होती है पीई साइन d थीटा कितनी होती है डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन d थीटा, थीटा यहाँ पे बगल में दिखाना सर टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा बोलो क्या यहाँ तक स्टेप में कोई दिक्कत है फटाफट बोले क्या यहाँ तक आपको इस स्टेप में कोई दिक्कत है क्या भाई जल्दी से बताएं मेरे बच्चे सभी लोग बताएंगे फटाफट कोई दिक्कत यहां तक है कोई दिक्कत नहीं ठीक है अगर हम यहां पे बात करें आपने यहां तक कर लिया अब हमें दुद्रु को थीटा से थीटा नॉट तक है ना थीटा से थीटा नॉट तक घुमाने में कहा बेटा घुमाने में किया गया कार किया गया कार तो बताओ समाकलन करेंगे समाकलन करेंगे कहां से बेटा थीटा से थीटा नॉट कहां से करेंगे थीटा से नॉट पीई साइन थीटा और डी थीटा और मेरे सभी प्यारे बच्चे साइन थीटा का समाकलन मेरे को बताएंगे जल्दी से कमेंट करके एक साथ सभी बच्चे आंसर करेंगे सर साइन थीटा का समाकलन बताएंगे फटाफट मैं देख रहा हूँ सबके कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ भाई जल्दी से साइन थीटा का समाकलन मेरे को सभी एक एक बच्चा आंसर करके बताएगा सर साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है है ना जल्दी से मेरे को आंसर करेंगे है ना फटाफट बोलेंगे जल्दी से साइन का माइनस कॉज एक बच्चे का आंसर आया बिल्कुल सही आंसर है सर बिल्कुल सही आंसर तो अगर हम यहां पे देखें तो बताओ डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा पी तो बाहर है, माइनस का हो जाएगा थीटा थीटा और ये थीटा से कहां तक बेटा थीटा नॉट तक हो जाएगा बोलो अब क्या करते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कितना आएगा फटाफट बताएंगे है ना भाई सारे बच्चे यार आप रिस्पॉन्स नहीं करते आप लोग है ना सारे बच्चे आंसर किया करो भाई है ना सारे बच्चे आंसर किया करो ठीक है ये कहा हो जाएगा W बराबर माइनस बाहर ले लो PE और ये हो जाएगा सर कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा ठीक है ये हो जाएगा स्थिति सॉरी किया गया कार क्या हो जाएगा बेटा किया गया कार ठीक है या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉमन ले लो यहां से माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट है ना ये आपको इस तरह भी लिख सकते हो ठीक है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट और यहाँ पे थीटा क्या है प्रारंभिक है थीटा क्या है प्रारंभिक है और थीटा नॉट क्या है जहां तक घुमाया अंतिम बोल सकते हैं समझने के सेंस में थीटा क्या है प्रारंभिक है और थीटा नॉट क्या है बेटा अंतिम है बोलो फटाफट बताएंगे बेटा थीटा क्या है प्रारंभिक है और थीटा नॉट क्या है बच्चा अंतिम है बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है चलिए जल्दी से बोले बेटा ठीक है अब अब देखो यहां तक ये स्टेप आपको यहां तक करना था कुछ नहीं करना मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं देखो हमने क्या देखा कि जैसे द्युध्रु को रखा गया है ना है ना जैसे द्युध्रु को रखा गया तो आपने देखा कि बल युग्म के कारण क्षेत्र की दिशा में आना चाह रहा था क्षेत्र की दिशा में आना चाह रहा था और जब जैसे ही क्षेत्र की दिशा में आना चाह रहा था है ना आ गया अब हम इसको घुमाना है तो हमने हमने मान लिया कि इसको थीटा घुमाया आप यहाँ पे देखो हमने कितना मान लिया बेटा डी थीटा हमने घुमाया और डी थीटा को घुमाने में किया गया कार्य कितना है डी डब्ल्यू है और कार्य बराबर बल बलगुड़े विस्थापन बल आघूर्ण के कारण क्योंकि टाउ क्या है रोटेटिंग फोर्स है बोलो हाँ बात क्लियर है ना तो अगर आप यहां पे देखें टाओ डी थीटा हो गया टाओ की वैल्यू सर क्या है पी साइन थीटा थीटा अब थीटा से थीटा डी अब से नॉट घुमाने में किया गया कुल कार्य निकाल लिया तो भाई आपको पता है टोटल वर्क के लिए आपको क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन करना पड़ता है बोलिए भाई बात क्लियर है इंटीग्रेशन करना पड़ता है और जैसे सर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके रिजल्ट सामने है ठीक है रिजल्ट आपके सामने है ठीक है रिजल्ट आपके सामने है ठीक है चलिए फटाफट नोट करें बेटा पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे दोनों लोग पढ़ाएंगे ठीक है आप परेशान ना होइए पुनीत कुमार बेटा ठीक है चलिए बताएंगे यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं होगी है ना सभी बच्चों को बताइए अगर हम साम्यावस्था की, की, की बात करते हैं ना आज जो स्पेशल केस की बात करते हैं स्पेशल केस की बात करते हैं ठीक है अगर हम आपसे यहाँ पे स्पेशल केस की बात करें केस नंबर पहला स्पेशल केस की अगर हम बात करें कि अगर हम थीटा बराबर जीरो से थीटा नॉट बराबर थीटा घुमाते हैं मतलब क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाते हैं मतलब थीटा जीरो का मतलब क्या है है ना थीटा जीरो का मतलब क्या है पहले वो आप समझो थीटा जीरो का मतलब क्या है दिद्रु अभी क्षेत्र की दिशा में था दिद्रु क्षेत्र की दिशा में था क्षेत्र की दिशा से हमने अब थीटा कोण घुमाया क्षेत्र की दिशा से हमने कितना कोण घुमाया थीटा कोण घुमाया तब क्या होगा कार W बराबर बेटा पी यहां पे कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और डब्लू बराबर बच्चा मिलेगा पीई और कॉस जीरो की वैल्यू वन और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा तो किया गया कार्य आपके सामने आ जाएगा बात क्लियर है है ना जल्दी बेटा एरिया नहीं है ना एरिया नहीं बोलते उसको क्षेत्र बोलते हैं है ना एरिया नहीं बोलते बेटा क्षेत्र की दिशा में है, ठीक है चलो केस नंबर ये फर्स्ट था पॉइंट से सर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं बात क्लियर है अगर हम बात करें सर मान लो है ना अगर हम बात करें सर मान लो कि आपको दूसरा केस बात करते हैं कि क्षेत्र की दिशा से है ना क्षेत्र की दिशा से विपरीत, विपरीत है ना क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र के विपरीत दिशा में है ना क्षेत्र के विपरीत तक घुमाया जाता है कहाँ तक विपरीत तक घुमाया जाता है ना क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र के विपरीत तक घुमाया जाता है ठीक है जब क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र के विपरीत तक घुमाया जाता है तो किया गया कार्य क्या आप एंगल बताओ एंगल बताओ क्षेत्र की दिशा के लिए आप बताओ क्षेत्र की दिशा में कितना होता है क्षेत्र की दिशा में थीटा कितना हो जाएगा बेटा जीरो डिग्री हो जाएगा बोलो ये क्षेत्र की दिशा क्षेत्र था बोलो क्षेत्र इधर था ना तो ये वाला क्या हो गया क्षेत्र की दिशा में यह विपरीत हो गया और क्षेत्र के विपरीत दिशा में कितना होता है एक सौ अस्सी होता है कितना होता है बच्चा एक सौ अस्सी होता है बात क्लियर है क्षेत्र के विपरीत दिशा में कितना होता है एक सौ अस्सी होता है तब बताओ डब्लू बराबर PE यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट वैल्यू रखेंगे डब्लू बराबर पीई कॉस जीरो माइनस कॉस एक सौ अस्सी तो बताओ डब्लू बराबर पीई और कॉस जीरो मतलब वन और कॉस एक सो अस्सी मतलब माइनस वन तो डब्लू बराबर टू पीई आएगा बेटा बोलो क्या यहां तक बात क्लियर है बोलिए क्या यहां तक बात क्लियर है और यही क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ना यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बोलता है कि अगर किसी को क्षेत्र की दिशा से विपरीत तक घुमाया जाता है कहां तक विपरीत तक घुमाया जाता है तो किया गया कार कितना होगा तो भाई टू पीई होगा ठीक है चलो दो केस हो गए सर अब तीसरा बनवाता हूं मैं सारे केस यहां क्यों बनवा रहा हूं क्योंकि जब आप क्वेश्चन करें तो सारी बात आपके दिमाग में पहले से फिट हो सारी बात आपके दिमाग में पहले से फिट हो हाँ सर ने तो ये कॉन्सेप्ट वहीं पे पढ़ा दिया था मेरे को ठीक है चलिए बात क्लियर है अब तीसरा है भाई है ना अब तीसरा है क्या है ना तीसरा केस क्या बन रहा है यहाँ पे देखो केस नंबर थ्री तीसरा केस क्या बन रहा है कि अब साम्यावस्था से लंबवत है ना साम्यावस्था से लंबवत साम्यावस्था से लंबवत घुमाया जाता है ना लंबवत घुमाया जाता है साम्यावस्था का मतलब यहाँ पे सेंस है बेटा क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र के लंबवत की अगर हम बात करते हैं क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र के लंबवत की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे मेरे को बताएंगे मैं थीटा क्या लिखू और मैं थीटा नॉट क्या लिखू जल्दी से आप मेरे को आंसर करेंगे मैं थीटा क्या लिखूंगा और थीटा नॉट क्या लिखूंगा ठीक है? फटाफट बताएं सर जल्दी से बेटा देखो यहां पे देखो जैसे ये करने जा रहा हूं वैसे ऊपर वाला भी ठीक है देखो ये कार का जो फार्मूला हमने निकाला W बराबर पीई था टा माइनस कॉस थीटा नॉट था अब हम केस बना रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए कंडीशन सीख रहे हैं कि हमें जब हम न्यूमेरिकल करें तो वहां कोई समस्या ना हो। है ना वहां पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो हमें ठीक है अब देखो मान लो ये क्षेत्र है है ना ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं यहाँ पे आपको बना के फिर से समझाता तो। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूं देख लो एक बच्ची को नहीं समझ में आया बताना बेटा क्लियर हो जाए आपका बात तो ये क्षेत्र था ठीक है हाँ ये भी थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा अब बोल रहा है यहाँ पे कोई दिवध्रुव है मान लो ये अभी दिवध्रुव है है ना अब ये क्षेत्र की दिशा में संरेखित है अब इसको घुमा के ऐसे लाया गया लंबवत लाया गया तो बताओ थीटा जीरो से कितना लाया गया नाइनटी लाया गया जीरो से कितना लाया गया नाइनटी लाया गया है ना जीरो से नाइनटी बिल्कुल सही है ना बिल्कुल सही आंसर बोलो अब बात बेटा आपको क्लियर हो गई तो डब्लू बराबर पीई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट है ना तो डब्लू बराबर पीई कॉस जीरो हो जाएगा और माइनस बेटा कॉस नाइनटी हो जाएगा तो डब्लू बराबर कितना आया बच्चा पीई आया बोलो क्या यहाँ तक कोई बात क्लियर है बोलो भाई कैपासिटी भाई कहाँ सा भाई सब कहां चले गए बोली अब आपको बात क्लियर हो गई कि नहीं पटाफड़ बताएंगे पी क्या है आपको ये तो किया ना पी है दुध्रुव आगुण पी है दुध्रुव आगुण और ई है वैद्युत क्षेत्र मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई कुछ बच्चे हैं ना जो गंजेड़ी टाइप के हमारे है ना गजेड़ी टाइप के बच्चे जो हैं पी है सर दिवध्रुव आगुण है उनको ये नहीं पता रहता सर पी क्या लिखे हो ई क्या लिखे हो है ना ई क्या लिखे हो पी क्या लिखे हो तो भाई इतना विज्ञती ना कराना अपनी अगर ये ना पता तो ठीक है बोलो बात क्लियर है पी है दिवध्रुव आगुण और ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो भाई चले यहां तक बात क्लियर हो गई कि नहीं आपको फटाफट बताएंगे सर प्रज्ञा सिंह हाँ बेटा बिल्कुल ला सकते हैं ना बिल्कुल ला सकते एक किताब एक टीचर है ना इतना काफी है सर क्लास ट्वेल्थ में से एन सी से नाइनटी फाइव प्लस ला सकते हैं बेटा आप यहाँ पे आप हमारी क्लास करते रहिए बस है, है ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बताइए यहाँ तक क्लियर है सर अब एक क्वेश्चन तो बनता है इस पर ठीक है हाँ एक क्वेश्चन तो बनता है सर एक क्वेश्चन तो बनता है चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं देखते हैं आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई साहब आइए फटाफट नोट कर लीजिए सर हम मिटाने वाले हैं तब तक मैं क्वेश्चन निकालता हूं चले नोट हो गया भाई चलिए क्वेश्चन क्या दे रहा है क्वेश्चन मेरे साथ लिखेंगे क्वेश्चन क्या दे रहा है बेटा एक वैद्युत क्षेत्र है एक वै, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र में एक दुध्रु मेरे साथ क्वेश्चन लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक दिवध्रु ठीक है है ना एक दिध्रो बेटा नोट्स के लिए आपको टीओसी ऐप आप पे जाना पड़ेगा एक एक दिवध्रुव जिस पर आवेश जिस पर आवेश दो कुलाम तथा माइनस दो कुलाम है जिस पर आवेश दो कुलाम तथा माइनस दो कुलाम है कुलाम है में पांच गुड़े दस की घाते चार न्यूटन पर कुलाम के क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में संरेखित है ना क्षेत्र की दिशा में संरेखित है क्षेत्र की दिशा में क्या है संरेखित है यह बात क्लियर है यदि इसे 90 डिग्री कोण पर 90 डिग्री कोण पर घुमाया जाए 90 डिग्री कोण पर घुमाया जाए तो किया गया कार क्या होगा किया गया कार क्या होगा नब्बे डिग्री कोण पर घुमाया जाए तो किया गया कार क्या होगा फटाफट आंसर करेंगे बोलेंगे बेटा क्लास सात से आठ होती है फटाफट आंसर करेंगे देखते हैं है ना देखते हैं भाई सब किसका आंसर आ रहा है बीड सेम है ना चलो है ना बीच की दूरी क्या है बीच की दूरी बेटा हाँ यहाँ पे मान लेते हैं बीच की हाँ बीच की दूरी नहीं लिखा है क्या मान लो दो एंगे स्ट्रॉम है कितना है बेटा दो एंगे स्टॉन्ग है इनके बीच की दूरी मान लो दो एंगे स्टॉम है ना बीच की दूरी सर मिस हो गई लग रहा है ठीक है बीच की दूरी बेटा दो एंगे स्टॉम है ठीक है देखो ऐसे सिंपल सी बात है बोल रहा है माइनस क्यू है और प्लस क्यू है बीच की दूरी दो एंगे स्टॉन्ग है कितनी है दो एंगे स्टॉम क्षेत्र की दिशा में रखी है क्षेत्र की दिशा में रखें बोला कि क्षेत्र की दिशा के लंबवत लंबवत है ना? मतलब 90 डिग्री तो भाई किए गया कार क्या होता है डब्ल्यू बराबर पीई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट पहले तो थीटा मिल गया क्वेश्चन पढ़ते जीरो और थीटा नॉट मिल गया बेटा नाइनटी। तो W बराबर पीई आया कि नहीं आया डब्ल्यू बराबर पी आया कि नहीं आया आ गया यहां तक जब डब्लू बराबर पीई आया तो आप देखो पी कैसे निकालोगे पी बराबर होता है सर Q cross 12, और Q है सर क्रॉस और और है है माइक्रो बेटा दो बोलो हाँ या ना तो दो नी चार चार बुले दस की घाते माइनस फोर्टीन कुल मीटर ये क्या आया बेटा पी आ गया और ई की वैल्यू कितना दिया है फाइव इंटू टेन की पावर फोर न्यूटन पर कूलाम तो आप यहाँ पे आंसर रखेंगे आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ये हो जाएगा फोर इंटू टेन की पावर माइनस फोर और ये हो जाएगा फाइव इंटू टेन की पावर फोर हो जाएगा माइनस फोर्टीन है सॉरी तो ये फोर फाइव जो ट्वेंटी इंटू टेन की पावर माइनस टेन जूल आएगा बोलो क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है डब्लू आएगा भाई साहब है ना डब्लू फटाफट नोट करेंगे बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया जल्दी से बताएं फटाफट मेरे को बताएँगे जल्दी से नोट करेंगे जल्दी से नोट करें भाई चले भाई हाँ बेटा नोट्स वगैरह सारे अवेलेबल हैं आपके पास कोर्स है प्रखर लाइव आप दी ऑनलाइन कोचिंग पे जाके प्रखर लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है हाँ बेटा माइनस सोलह होगा अच्छा दस और छह सोलह है ना बिल्कुल सही बेटा सोलह होगा यहाँ पे हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्ट है ना सोलह बारह आएगा ठीक है बेटा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में कहीं मिस्टेक हो तो उसे आप चेक कर लिया करना मेरे को बता दिया करो इसी तरह ठीक है चलिए अब बात करते हैं सर आगे है ना चलिए हो गया बताओ क्या क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं आपसे कि नहीं बनते फटाफट मेरे को बताओ अब हेडिंग डालेंगे स्थिति ऊर्जा निकालते है ना स्थिति ऊर्जा निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र में दिवध्रु की स्थिति ऊर्जा अगला हेडिंग बनाएंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में दिवध्रु की स्थिति ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र में दिवध्रु की स्थितिज ऊर्जा ठीक है वैद्युत क्षेत्र में दिवध्रु की स्थिति ऊर्जा चलिए हेडिंग बनाएंगे सभी बच्चे वैद्युत क्षेत्र में द्वध्रु की स्थिति झुर्जा चलिए बात करते हैं सर आगे। हेडिंग बना लो सभी बच्चे हाँ बेटा ये हो जाए फिर हम और क्वेश्चन कराएंगे ठीक है अब बात करते हैं सर वैद्युत क्षेत्र में द्वध्रुव की स्थिति झुर्जा है क्या ठीक है पिछले लेक्चर हम लोगों ने आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा निकाली लेकिन स्थिति ऊर्जा का कॉन्सेप्ट सर एक ही रहेगा स्थिति ऊर्जा का कॉन्सेप्ट सर एक ही रहेगा कि हम क्षेत्र में निकाय की रचना करने में है ना निकाय की रचना करने में किया गया का उसी तरह एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र होगा मान लेते हैं ये अपने पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र में बना ले रहा हूं था ये क्या है बेटा एक समान वैद्युत क्षेत्र ध्यान से समझना ये क्या मैं बना लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र में बना लिया ठीक है और जैसे बेटा में एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाया अब यहाँ पे है ना अब यहाँ पे बेटा यहाँ पे है ना एक समान यहां पे हम दो स्थिति मान लेते हैं ए और बी मान लेते हैं ए है और बी मान लेते हैं ठीक है दो स्थिति मान लेते हैं ए और बी ठीक है अब बात यह आती है कि सर दिध्रु को दिध्रु हमारा कहां रखा है अनंत से लाना है है ना अनंत से लाना है कहां से लाना है दिद्रु को मान लेते हैं दिद्रु सर अभी कहां पे रखा है इनफाइट पे रखा है माइनस क्यू और प्लस क्यू बीच का दूरी मान लो टूवेल है या एल है कोई दिक्कत वाली बात एक समान वैद्यु क्षेत्र ही है तो एक बात बताना कि अगर हम दिध्रु को है ना अनंत से कहां से बेटा इन्फानाइट से क्षेत्र में लाएंगे है ना इन्फाइट से क्षेत्र में लाएंगे तो आप ये बताओ कि प्लस क्यू प्लस क्यू तो विरुद्ध काम करेगा लेकिन माइनस क्यू क्या होगा क्षेत्र पे ही स्वयं कार्य करेगा बोलो हाँ या ना ये बात आपको यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई हमने क्या बोला क्या बेटा गोविंद पूरा कोर्स करे बेटा पिछले साल भी पूरा कोर्स ट्वेल्थ के हो चुके हैं ठीक है है ना बेटा पूरा हो चुका है ठीक है पिछले बार भी हमने यहाँ पे क्या बोला कि आप ध्यान से देखो पहले टॉपिक को समझो फिर सारी बातें हमने बोला कि अनंत से लाना तो प्लस क्यू पे एक्स बाह्य क्षेत्र काम करेगा लेकिन माइनस क्यू, का क्यू पर स्वयं का क्षेत्र काम करेगा ध्यान से सुनिएगा माइनस क्यू पर स्वयं का क्षेत्र काम करेगा मतलब क्या है कि प्लस क्यू की अपेक्षा माइनस क्यू को ए पर जाने में अधिक दूरी तय करना पड़ेगा कि नहीं करना है ना मतलब माइनस क्यू क्षेत्र में स्वयं कार्य करेगा है ना माइनस क्यू क्षेत्र में स्वयं कार्य करेगा है ना और प्लस क्यू क्या होगा बाह्य क्षेत्र है ना प्लस क्यू पर बाह्य क्षेत्र कार्य करेगा ये बात आप याद रखेंगे है ना प्लस क्यू पे, पे एक्सटर्नल फील्ड काम करेगा और माइनस क्यू पे बेटा क्या करेगी इधर आप यहां पे एक बात देखो है ना तो मतलब हम क्षेत्र के विरुद्ध काम निकाल रहे हैं कहां पे क्षेत्र के अगेंस्ट और जो कार्य है भाई वही किसमें परिवर्तित कर रहे थे बोलो हा या ना। जो बेटा काम निकाल रहे थे वही किसमें परिवर्तित कर रहे थे सभी का एक साथ आंसर आना चाहिए सर बोलो हा या ना तो सबसे पहले हमने देखा कि प्लस क्यू की अपेक्षा बेटा मेरे माइनस क्यू आवेश को अधिक दूरी कितना दूरी मान लो कि ये दूरी डी है डी दूरी यहां है ना ये दूरी डी है ये देखो ये इतना दूरी और ज्यादा तय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बोलो हा या ना क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ में आएगी नहीं है ना तो अतः क्षेत्र द्वारा है ना प्लस क्यू पे तो बाहर काम कर रहा था और और यहाँ पे माइनस क्यू स्वयं क्षेत्र पे काम कर रहा था तो अतः क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य यहां पे बताओ अतः क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या बेटा क्षेत्र द्वारा किया गया कार क्षेत्र द्वारा किया गया कार बोलो जल्दी से यहाँ पे बताओ यहाँ पे प्लस क्यू ही लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा माइनस क्यू ही लगेगा इस दिशा में बोलो या न प्लस क्यू इधर लगेगा इधर है बल और इसमें इधर है बल तो यहाँ पे बताओ कार बराबर होता है सर बल गुड़े विस्थापन बोलो या ना स्थापन कितना है डी माना है तो बताओ बल कितना है क्यूँकी है ना कहा माइनस है ना क्षेत्र पे काम कौन कर रहा था प्लस कर रहा था कि माइनस कर रहा था बड़ा बड़ा बताना क्षेत्र पर काम कौन कर रहा था प्लस की माइनस कर रहा था माइनस कर रहा था और प्लस पे तो बाह्य क्षेत्र तो तो बोलो या ना और यही किया गया कार स्थितिज ऊर्जा में किसमें बेटा यही किया गया कार स्थितिज ऊर्जा में तो इसको अभी यू वन मान लेते हैं क्या मान लेंगे यू वन मान लेंगे अभी कहानी पूरी नहीं हुई अभी तो हमने क्षेत्र में किया गया कार निकाला ठीक है तो फटाफट फड़ यहां तक सरकार नोट करेंगे सभी बच्चे यहां तक जल्दी से नोट करें भाई जल्दी से बिना देर की हो यहां तक नोट करो जल्दी से नोट करो है ना फिर आगे की कहानी देखते हैं चलिए बोले भाई बात यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर सरकार फटाफट बोलना यार है ना एक बार शेषण को दबा के शेयर लाइक मारेंगे सभी बच्चे ठीक है अब देखो यहाँ पे अब अब हमने क्या माना कि माना यहाँ पे मैं लिखता हूं भाई U1 पे आ गया minus P, है ना इसको मान लिया अब हमने क्या माना कि भाई अभी ये क्षेत्र की दिशा से था क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में कहा बेटा अभी ये क्षेत्र की दिशा से था भाई क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार है ना यहाँ पे लिखा माना दुध्रु को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे माना दुधरू को क्षेत्र की दिशा से मेरे लाल किधर क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार है ना थीट... क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार बताना जल्दी से कितना होगा फटाफट बोलना यहाँ पे यहाँ पे बताना कि सर आपने तो सिखाया w बराबर माइनस कॉस थीटा, थीटा नॉट रखना क्षेत्र की दिशा में मतलब थीटा जीरो है और थीटा नॉट थीटा है बोलो इसीलिए ऊपर मैंने केस बनवा दिया था वहां पे बोलो मेरे बच्चा क्या इसीलिए हमने वहां पे केस बनवा दिया था तो W बराबर क्या मिला पी वन माइनस और ये क्या हो गया भाई U2 U2 हो 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 गया 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 बोलो ये क्या हो गया? हो गया, पी वन थीटा, इसको माना दो क्या माना बेटा दो माना बोलिए इसको मान लिया समीकरण दो बात क्लियर है अगर हम सरकार बात करे यहां पे, कि कुल ऊर्जा की बात करते बेटा है ना कुल ऊर्जा की बात करेंगे टोटल स्थिति ऊर्जा की बात करेंगे तो U1 वन प्लस क्या आएगा बच्चा U2 आएगा और U1 है माइनस का पीई है ना और यहाँ पे बेटा क्या है माइनस माइनस थीटा थीटा क्या है cos है अब पीई का अंदर गुड़ा कराएंगे जल्दी से देखो पीई का अंदर गुड़ा कराएंगे पीई प्लस पीई माइनस पीई कॉस थीटा प्लस पीई से माइनस PE कैंसिल तो एनर्जी बराबर पीई कॉस थीटा आएगा बोलो बजरंग बली की फटाफट बताना क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई बेटा टू पी नहीं आएगा गलती क्यों कर रहे हो गलती नहीं करते मेरे लाल गलती नहीं करते बिल्कुल चले भाई बात क्लियर हो गई फटाफट बोलेंगे भाई चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा ठीक है ये आ गया अब मान लेते सर दिवद्रु क्षेत्र की दिशा में संरेखित क्षेत्र की क्षेत्र की दिशा में संरेखित है कहां संरेखित है बेटा क्षेत्र की दिशा में ठीक है अगर क्षेत्र की दिशा में संरेखित है ठीक है क्षेत्र की दिशा में संरेखित है ठीक है तो बेटा u थीटा हो जाएगा जीरो तो u बराबर माइनस पीई कॉस जीरो कॉस जीरो हो गया कॉस जीरो का मतलब वन हो गया तो u कितना आया p मतलब न्यूनतम आ रहा है क्या आ रहा है बेटा न्यूनतम आ रहा है ठीक है पहला केस है ना यदि भाई लंबवत है यदि लंबवत है दूसरा थीटा नाइनटी है तो स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी शून्य हो जाएगी अगर 180 है 180 है तो U बराबर पीई होगा मैक्सिमम होगा लेकिन ये क्या होगा बेटा तो अस्थाई संतुलन होगा ये क्या होगा अस्थाई संतुलन होगा और ये क्या होगा बेटा तो स्थाई संतुलन होगा कि तो कभी कभी क्वेश्चन में लैंग्वेज देके पूछता है कि स्थाई संतुलन से अस्थाई संतुलन तक है ना अस्थाई संतुलन से स्थाई संतुलन तक बताया जाता है ठीक है चलिए भाई तो आज के पांच क्वेश्चन होमवर्क भाई फटाफट फड़, ठीक है चलो नोट करेंगे चलो पहला क्वेश्चन भाई एच है, है क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना है, भाई सब, तीन दूंगा, है? को, पहला, आज के क्लास में जितनी बात हुई दिवद्रु को क्षेत्र की दिशा से है ना जितने बच्चे जुड़े क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करेंगे ठीक है क्षेत्र की दिशा से उनके लिए कुछ है ना कल की क्लास में उनका नाम बताएंगे कौन से बच्चा सबसे अच्छा आंसर किया है जो क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र के विपरीत लाया जाता है क्षेत्र के विपरीत लाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा किया गया कार्य क्या होगा पहला क्वेश्चन भाई साहब क्लास खत्म होने के बाद सर आंसर करना ठीक है दूसरा ठीक है अब बोल रहे हैं कि स्थितीय ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ध्रुव के स्थाई व स्थाई व अस्थाई संतुलन से आप क्या समझते हैं स्थाई व स्थाई संतुलन से आप क्या समझते हैं आप क्या समझते हैं ठीक है आप क्या समझते हैं ठीक है तीसरा माइनस क्यू पर क्षेत्र द्वारा कार्य होता है माइनस क्यू के अभी आज की क्लास में जितना हमने बताया उसी पे बता रहा हूं माइनस क्यू पर क्षेत्र पर कार होता है, है ना माइनस क्यू पर यहां ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन माइनस क्यू माइनस क्यू द्वारा क्षेत्र में किया गया कार्य कितना है किया गया कार्य कितना होता है किया गया कार्य कितना होता है तीन क्वेश्चन है सर क्लास खत्म होने के बाद है ना क्लास खत्म होने के बाद तीनों का आंसर देंगे एक और मैं दे देता हूं है ना एक और मैं दे देता हूं जल्दी से बताएंगे डी बाई किसका मात्रक है ना डी बाई किसका मात्रक है देखते हैं कितने बच्चों को पता क्लास खत्म होने के बाद फटाफट सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चार क्वेश्चन है ठीक है तो चलिए सर मिलते हैं कल की क्लास में तब तक ले सभी को बाय टाटा सीओ ठीक है तो सभी को शुभरात्रि मिलते हैं कल मतलब अगली क्लास में